डैडी ने कुकिंग में लगा दिया कि घूमने जाते तो चाय बनाने में बताइए कितना टाइम लगता है। तो अभी हम लोग कर रहे हैं डिनर और अम्मू लगा रहे हैं हमेशा की तरह खाना, जो अम्मू का काम है। आज टाइम मिला था तो आपने कुकिंग में लगा दिया घूमने का, घूमने का। अच्छा, तो मतलब घूमने का हमें कोई हक नहीं है, खाना ही बनाते रहे। देखिए आज टाइम मिला था तो ये पाए बनाने में मैं लग गई। और चलिए सर्दी अभी बहुत, कल से बहुत बारिश हो रही है यहाँ पे, दो दिन बारिश, तो ये देखिए पाए बनाए और बहुत गर्म गर्म है। बढ़िया से पहले खाना बना दूँ वो सॉरी खाना लगा दूँ क्योंकि जितनी मेहनत की है, देखो कितनी लाल हो रही मेरी आँख, इसमें साफ साफ दिख रही है, देखो कितना मम्मा की कितनी लाल आँख दिख रही है। और देखो ये जबरदस्ती ले जा रहा है मुझे। हाँ, अगर अच्छी चश्मे की दुकान मिली तो चश्मा लेना है। देखो ये चश्मा चढ़ा आ रहा है मुझे आँख देखो दिख रही है ना साफ साफ, देखो इसमें क्लियर दिख रही है। हाँ, मैं एकदम लाल है, काली एकदम काली दिख रही है। खैर तो बस यहाँ पर हम लोग निकल गए हैं अभी झांसी महोत्सव के लिए। और आज मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था और तबीयत भी ठीक नहीं थी, लेकिन वही है कल मैंने बोल दिया था ना कुरेशी जी के इनसे कि आज आप नहीं ले गए, टाइम था लेकिन ले नहीं गए और उन्होंने पाए ला के रख दिए थे, उनका पाए खाने का मूड था। तो बस मैं थोड़ा सा कल बोल रही थी तो आज ज़रूर, आज भी उनको थोड़ा सा टाइम था तो उन्होंने कहा आज तो पक्का सहनाज को लेके जाते हैं। एक्चुअली मुझे नहीं जाना, ये बिट्टू बहुत ज़िद कर रहा था तो उसके लिए जाना था और बिट्टू से भी बोल दिया था तो बस वही ज़िद पकड़ के बैठ गया था। तो बस यहाँ पर हम लोग आ गए और यहाँ पर ये देखिए ये पार्किंग के लिए बहुत अच्छा एरिया है, यहाँ पर म्यूज़ियम है ये, यहाँ पर आप फोर व्हीलर अपना टू व्हीलर पार्क कर सकते हैं। और ये झांसी का जो किला है उसके जस्ट नीचे मैदान में ये महोत्सव लगता है और यहीं से स्टार्ट हो जाता है, काफ़ी दूर पैदल चलना पड़ता है फिर जाके जो महोत्सव का मेन गेट है वहाँ पर पहुँचते हैं। लेकिन काफ़ी दुकानें काफ़ी यहाँ पर लगी हुई हैं, बहुत दूर तक चलना पड़ता है। और अभी ग्वालियर मेला, लखनऊ मेला ये सब लगे हैं तो हमारे यहाँ झांसी में भी ये झांसी महोत्सव, ये देखिए झांसी महोत्सव का मेन गेट आ गया है। इसके बाद हम एंट्री करेंगे और इससे पहले काफ़ी मतलब पैदल कर चलना पड़ता है और बहुत सारी आपको दुकानें ये लगी हुई मिल जाएंगी। और यहाँ पर हम लोग अंदर आ गए और देखिए दोपहर में आए थे हम लोग, आई थिंक 3:30 बजे आए थे और इतनी भीड़ थी और ये भीड़ कम नहीं हुई। मैंने सोचा कि सर्दी में कम लोग आ रहे होंगे, दोपहर में ही ज़्यादा आए रहे होंगे, लेकिन वो सर्दी में कितने तरह के अचार होंगे यहाँ पे आपके पास, कितने तरह के अचार होंगे? 56 ये अचार की वैरायटी, ए टू जेड सब मिलेगा, आप नाम बोलो मैं टेस्ट करा दूंगा। ये वाला भी देखो, ये मैं आप सब खिला देंगे और कुछ दो आपको, ये अनार। और यहाँ पर देखिए आपको ये सब देख के अपना बचपन जरूर याद आ गया होगा, ये बचपन में खट्टी मीठी इमली और गटागट की गोली और ये मिर्च चूरन, ये पता नहीं ये सब टॉफियाँ हम लोग खाते थे। तो बस ये भी साइज ठीक है ना ये वाला, क्यों बेटू साइज देखना है बस इसको, सर्दी चल रही है तो वूलन की भरमार थी यहाँ पर, बहुत सारी वैरायटी थी वूलन की, लेडीज़ के जो लड़कियों के अपर हैं यहाँ पर टॉप वगैरह हैं और बहुत सारे वूलन के आइटम थे, बच्चों के बड़ों के जॉन्स के भी। और ये देखिए इस सेक्शन में आ जाएंगे तो ये लेडीज़ का बहुत ही फेवरेट सेक्शन है, तो हम लोगों का ये तो सबसे इयर रिंग्स और ये नेकलेस वगैरह ये सब कुछ थे। तो यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी थी और देखिए आप यहाँ पर भीड़ देखिए किस तरह से बढ़ती जा रही है। और हम लोगों को आते आते 7:30 बज गए थे
तो इसी टाइप से भीड़ थी और कम नहीं हुई थी और इवन ज़्यादा ही हो गई थी। ये देखिए मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ कितनी अच्छी अच्छी वैरायटी के इयर रिंग्स आए थे, झुमकी थे और कानों के इयर रिंग्स थे, तो हर वैरायटी के थे 50 रुपये। देखिए हर माल पर 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये, 250 रुपये तक के इयर रिंग्स मिल रहे थे। जैसे भी आप लें तो बहुत ही खूबसूरत ऐसा लगेगा आपको कि सारे के सारे ले लें, लेकिन सब तो नहीं ले सकते ना, तो इसमें से आप 3-4 अगर जो भी एयरिंग्स के शौकीन हैं वो 3-4 जोड़ी से कम तो लेंगे ही नहीं। और देखिए कितने अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर थे और बहुत प्यारे झुमके थे, इयरिंग्स थे और हर कलर में, हर आपको अपनी ड्रेस से मैचिंग के लिए मिल जाएंगे। और देखिए 2 से 50 के रेंज में ये 100 भी थे, तो जैसा भी आप लें वैसे थे। देखिए बहुत प्यारे प्यारे थे और चूज़ नहीं कर पाएंगे कि कौन सा लें कौन सा छोड़ें, तो ऐसा लग रहा था कि सभी ले लें। यार मैं तो इतना चेंज कर करके नहीं पहनती हूँ, तो लेकिन मैंने भी 2-3 ले लिए थे। कोई भी ले लो 100 रुपया। तो ये उद्घाटन कर रहे आप नहीं देख रहे नहीं बस बस मुझे नहीं बच्चों को देखो कितना शौक लग रहा है छोटे छोटे बच्चों को ईद हो नहीं बस एंजॉय करो यही सब। अरे अरे वाली दूसरा मेला। अरे वाह तो आ गए हैं हम लोग अपने मेन डेस्टिनेशन जी हाँ, जिसके लिए आए थे, जिसके लिए बिट्टू जिद कर रहा था झूले के लिए, उसको झूला ही झूलना था एक्चुअली। और हम लोग वहाँ रोक के कुछ देख रहे थे ना, तो बोल रहा था कि आगे चलो झूलना झूलना है, झूला झूलना है, तो बस हम लोग जल्दी 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 आ गए। और बाकी इतने अच्छे अच्छे इतने वैरायटी के आपको झूले, जो झूले के शौकीन है ना उनके इतने वैरायटी के झूले यहाँ पर मिल जाएंगे कि झूल झूल कर खुश हो जाएंगे। मतलब जिसको झूला झूलना पसंद है ना, तो उसको बहुत वैरायटी के झूले मिल जाएंगे। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ मेरी बाकी आँख में बहुत दर्द हो रहा था, सर भी दर्द हो रहा था और आज बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन वो बिट्टू नहीं माना। कुरेशी जी को तो मैंने बोल दिया था कि रहने दो और नहीं चलते हैं, लेकिन वो बिट्टू नहीं मान रहा था, उसकी वजह से आना पड़ा मुझे। और यहाँ पर देखिए ये, और मेले में जाएँ और पापड़ ना खाएँ तो ऐसा कहीं हो सकता है, मतलब जो भी जाता है मेले में पापड़ तो ज़रूरी खाता है, तो बहुत यम्मी भी लगते हैं। और ये तो यहाँ पर खाने पीने की देखिए तरह तरह की स्टॉल हैं, आइसक्रीम है, कोल्ड ड्रिंक है, मीठा है, डिज़र्ट में भी काफ़ी वैरायटी थी और मतलब बहुत खुश हैं। चॉकलेट शेक वगैरह था, चॉकलेट शेक बच्चों को बहुत ही यम्मी लगा, बहुत अच्छा था। 100 रुपीज़ का ग्लास था, आप लोग जाइएगा तो ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा लगा। तो ये देखिए, तो आप थोड़ा थोड़ा सा भी खाएंगे ना तो घर पे आके खाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। और वैसे यहाँ पर एक अच्छा खासा रेस्टोरेंट भी खुला हुआ है, खाना पीना खा के आइए। इस खैर इस बार तो हम लोग दोपहर में गए थे तो खाना पीना खा के नहीं आए थे, नहीं तो रेस्टोरेंट में खाते हैं, लेकिन ये सब खाते खाते बच्चों का पेट भर गया था, घर पे आके उन्होंने कुछ नहीं खाया था। देखिए डिज़र्ट में भी बहुत कुछ था, नारियल पानी पीना है,
यहाँ पर ये है जो मेलों में ज़्यादातर डिजर्ट देखने को आपको मिल जाएगा, खाजा, मीठा खाजा है, नमकीन खाजा है। तो चलते चलते हम लोगों को 7 बज गया था, 7:30 तक घर पर आ गए थे। और ये देखिए कारपेट वगैरह मिल रहा है यहाँ पे, रग है और डोरमेट वगैरह है, बहुत अच्छी अच्छी थी। तो ये बहुत अच्छी, बहुत ज़्यादा वैरायटी में आपको मिल जाएंगी यहाँ। और यहाँ पर देखिए ये मिट्टी के बर्तन हैं, जो मिट्टी के बर्तन के शौकीन हैं उनको भी काफ़ी वैरायटी यहाँ पर मिल जाएगी सारी तरह की। और ये देखिए कुछ शोपीस हैं मिट्टी के ही, ये बने हुए हैं ये, तो स्टैचू वगैरह है। और ये देखिए कितना सारा स्टॉक है ये कारपेट वगैरह का, और रग वगैरह थे बहुत। और तो ये चीनी मिट्टी के सारे शोपीस वगैरह रखे थे। और यहाँ वूलन्स का बहुत आइटम था। जाते जाते हम लोगों को 7:45 बज गए थे और भीड़ वैसी की वैसी थी और ज़्यादा ही बढ़ गई थी। तो आप लोग भी यहाँ पर अगर झांसी में रहते हो, झांसी के आसपास रहते हो, विजिट करें, बहुत अच्छा आपको यहाँ पर शॉपिंग करने का और इन्जॉय करने के लिए आपको मिल जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं घर पर। अभी हम लोग झांसी महोत्सव से आ गए हैं और आप देख रहे हैं ये आँख, पता नहीं आज दिन भर से मेरी आँख ऐसी लाल हो रही थी और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था कि मैं जाऊं। और कभी कभी होता है ना कि ना कहीं घूमने का जाने का मन नहीं होता, मुझे ऐसा लग रहा था कि आज रेस्ट करें घर पे, आराम से बैठ के बच्चों के साथ रेस्ट करें। और लेकिन क्या है, बिट्टू से एक बार बोल दिया था कि जाना है, उनके डैडी ने बोल दिया था, तो बस वो जिद कर गया कि नहीं नहीं चलो मम्मा, तो फिर जाना पड़ा। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, थोड़ा सा सर में दर्द हो रहा था, ये आँख में भी दर्द हो रहा था। और जस्ट आके मैंने चाय बनाई, तो अभी हम लोगों ने चाय पी यहाँ पर और बच्चे पढ़ने लगे हैं। आप जी आ गए हैं तो बस बच्चे पढ़ने लगे हैं। तो बच्चे भी पढ़ रहे हैं आप जी से, देखिए यहाँ कितनी लाल हो रही है, बहुत लाल हो के रखी है। तो बस गए तो थे बेमन से, लेकिन फिर जब जाते हैं तो इन्जॉय करते हैं बच्चों के साथ। तो बस खा पी कर तो आए हैं बच्चे, उन्हें बहुत इन्जॉय किया, अब थोड़ा बहुत खाना खाएंगे थोड़ा। चलिए आज के ब्लॉग का एंड यहीं पर करते हैं, मिलते हैं फिर आपको एक अच्छे से इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।